नमस्कार दोस्तों, रुपेश बंसल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। खबर फिरोजपुर से आ रही है। यहां पर इंडियन क्रांतिकारी लहर पार्टी के पदाधिकारियों ने आज हमारे संवाददाता सुखचैन सिंह से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी शहीद आजम भगत सिंह व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रही है। गरीबों व दलित समाज के लिए उनकी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। देखिए किस प्रकार से इंडियन क्रांतिकारी लहर पार्टी द्वारा वर्किंग शुरू कर दी गई है। हमारे संवाददाता सुखचैन सिंह द्वारा पार्टी पदाधिकारियों से विशेष बातचीत की गई, दिखा रहे हैं आपको उसके अंश। आरबी लाइव मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साडी जी इंडियन क्रांतिकारी लहर पार्टी है। ये पार्टी जो अज दे हालात चल रहे हैं, क्योंकि पुराने 10 साल जो बादल की सरकार 10 साल उदों भी यही मुद्दे उठते रहे, तो जिहड़ी अज कांग्रेस की सरकार है इस तो ज़्यादा मुद्दे खड़े हो रहे हैं। जिमें बिजली के वास्ते बोले लिए बिजली जिमीदार जो अज किसान इन खुदकुशी कर रहे हैं, तो मैं तो भी हट पाती। लेकिन जेडे अज हूँ एक निका लिए गटर जे अपने सफाई कर्मचारी है, हूँ पुलिस लाइन के चार जे कर्मचारी जी अपना भी गटर के उन्होंने डैथ हुई है, उन्होंने उन्होंने एक तो तनखा ज्यादा, एक सब तो ज़्यादा गंदा काम वो करते हैं। असं ये कहने भी जेडे गटर के काम करने वाले उन्होंने घट तो 1,00,000 रुपये तनखा दी जाए, जेडे उत्थे भी इदा कोई माड़ी कोई वारदात होती उन्होंने 20,00,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। तो बाकी जेडे अज हूँ नौजवान जी खुदकुशी कर रहे हैं, इन्होंने वास्ते तो मैं भी हद ही मोगी। जेडे रोज़ दिया एक दो खबर आदि हैं भी अज फलानी थान इदा नशे टीका ला के मर गया, अज चिट्टा खा के मर गया। ये चीज़ों ठल पाने वास्ते साड़ी इंडियन क्रांतिकारी लहर जी वो असं कहना मुद्दे संघर्ष करा। सर हाँ जी सर, जी थोड़ी क्रांतिकारी पार्टी है, आने वाले समय से जोड़े आ काफ़ी मुद्दे ने किसान लैके होर मुद्दे हो गए, इन की करना चाहती, काफ़ी मुद्दे ने जोड़े। ये साड़ी इंडियन क्रांतिकारी लहर पार्टी है जी, जो नैशनल लैवल की पार्टी है। साड़ी इंडियन क्रांतिकारी पार्टी जी है भगत सिंह ते श्री बाबा साहेब बी आर अंबेडकर की सोच में लैके तुरी है। साड़ी पार्टी किसान किसान वर्ग शहरी वर्ग एससी एसटी ओबीसी वर्ग सारिआं नूं इकट्ठे लैके तुरेगी। और साड़ी पार्टी का जिहड़ा मेन मतलब है आपस दे विच समानता लैके आउणा, असमानता नूं दूर करना। साड़ी पार्टी जिहड़ी है इसका मेन मतलब है कि जिहड़ा लोगों के उत्ते पिछले 4 सालों तो जिहड़ा इन्ना तशद्दुद किया जा रहा, इन्ना जिहड़ा बोझ पाया गया, इहनू खत्म किया जाए। असीं इह चाहुंदे हां कि जिवें कि बिजली का बिल है वह सारिआं दे उत्ते जिहड़ा इक्को जिहा होवे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी नूं महसूस होवे कि मेरे तो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा, तो किसी दे कोल बिल्कुल ना होवे। असीं कहिंदे हां वी जिहड़ा हैगा सरकार इस ते विचार करे, तो कोई 1-1.5 रुपया पर यूनिट सारिआं तों चार्ज करे, जिहड़ा कर्जा सारिआं दा माफ़ करे, जिहड़ा है नजायज़ जिहड़ा कर्जा लैंदे है, नजायज़ जिहड़ा कर्जा जिसने लिया हैगा उहदा ना माफ़ होवे, जिन्हां दा जरूरी हैगा उन्हां दा माफ़ किया जाए। जिवें कि इनकम टैक्स है, GST है, GST ने व्यापारी वर्ग का जिहड़ा हैगा लक तोड़ के रख दिता। तो साड़ी पार्टी जिहड़ी सेंटर की सरकार तो मंग करती है कि GST नूं बिल्कुल खत्म कर दिता जाए, और जिहड़ा इनकम टैक्स है ये जिहड़ा हैगा बिना किसी पक्षपात दे शहरां ते पिंडां वालियां कोलों 3,000 रुपए सालाना तौर दे उत्ते 500 तो लैके 20 लाख की इनकम वालियां तो बिना किसी हिसाब किताब दे जिहड़ा सिर्फ जिहड़ा हैगा एक फार्म ही भरिया जाए, तो वो जिहड़ा सारिआं तों इक्को जिहा लिया जाए। तो जिहड़ा साडी पार्टी जिहड़ी ये चाहुंदी है कि अगर तुसीं जिहड़ा हैगा इधर उधर पैसा जिहड़ा नजायज़ जिहड़ा लाउंदे आ उहदे नाल जिहड़ा तुसीं बच्चों नूं एजुकेशन फ्री दिओ, किसी जात पात का पक्षपात किए बिना, किसी ऊंच नीच का किसी तरह का भी पक्षपात किए बिना, सारे ही बच्चे नर्सरी तो लैके BA तक सारिआं दी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए है। उन्हां नूं जिहड़ा सारिआं नूं इक्को जिहा वजीफा मिलना चाहिए, और जदों तक बच्चे इंपलायड नहीं हो जाते उन्हां दी जिम्मेवारी सरकार दी होनी चाहिए है, उन्हां नूं जिहड़ा जेब खर्ची जिहड़ा हैगा पत्ता जिहड़ा सरकार दे। तो साडी पार्टी जिहड़ी आपस दे विच समानता लैके आना चाहती, आपस च भाईचारा जिहड़ा देश दे विच बना के रखना चाहती है। साडी पार्टी चाहती है कि ये मुल्क ये देश तरक्की करे, इस दे विच जिहनूं जरूरत है उही लवे, ये नहीं कि जिसनूं जरूरत नहीं जिहड़ा बहुत वड्डा
खांदा पिया और वो दूसरा दे हक मारे। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ।